फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदना सूती। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अम्मा पोहे। चलिए देखते हैं उसकी रेसिपी। और उसके लिए जो सामग्री लगी थी वो है एक पका हुआ मैंगो व एक चौथाई शक्कर और इलायची पाउडर। सबसे पहले मैंगो की स्किन यानी पील ऑफ करके लेना है और आम के छोटे छोटे टुकड़े काट कर लेने हैं। अभी सारे आम के टुकड़ों को हम मिक्सी जार में डालेंगे। इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और 1/4 कप शुगर यानी शक्कर मिलाकर मिक्सर में ग्राइंड करना है। इस तरह से फाइन पेस्ट बनाकर लेनी है और इसे एक कटोरे में निकालना है। इसके बाद अब एक स्टील की प्लेट लेनी है और उसे तेल लगाना है। तेल या घी लगा सकते हो। अच्छे से प्लेट में तेल लगाने के बाद उसमें ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर यानी आम का मिश्रण सारे प्लेट में डालना है और अगर एक हाथ दूसरा पीस नहीं मिक्सर हुआ है तो उसे निकाल कर रखना है और सारा मिश्रण प्लेट में डालकर प्लेट में चारों तरफ इसे फैलाकर पतली परत बनाकर रखनी है। इस तरह चम्मच की मदद से पूरी प्लेट में एक समान लेयर बनानी है। अब इसमें इस प्लेट को हम धूप में रखेंगे। अगर सुबह बनाया तो रात तक बन जाता है, लेकिन शाम के टाइम बनाया तो दूसरे दिन दोपहर तक अच्छे से वो ड्राई हो जाता है। इस तरह डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़नी चाहिए तो 1-1.5 दिन में वो पक जाता है। रात को इसे कपड़े से ढक कर रखना है। वापस दूसरे दिन इसे धूप में रखना है। 1-1.5 दिन में ये बिल्कुल सूख जाएगा। इस तरह से इसे अब पिज़्ज़ा कटर या चाकू की मदद से कट करना है। और इसे इसके चाहे तो आप इस तरह से रोल बना सकते हो। एक खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस तरह से रोल बना सकते हो। दोनों साइड के जो लेयर है उसका मैं रोल बना रही हूँ और बीच वाले जो प्लेन सरफेस में रखा है उसका मैं स्क्वायर इस तरह से बना सकते हो। बाजार में ऐसे स्क्वायर वाले मिलते हैं। एक के ऊपर एक रख कर उसे प्लास्टिक में डाल कर रखते हैं और घर में बनाए हुए 15 दिन तक आराम से चलते हैं। फ्रिज में रखो या बाहर, ये आराम से 15 दिन तक रहते हैं और कभी भी खा सकते हो। तो इस तरह से मैं चौकोन भाग में एक के ऊपर एक रख कर इसे मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से अम्बा पोहे यानी आम पापड़ी बनकर तैयार है। देखिए कितने आसानी से एक के ऊपर एक परत जो रखी हो निकलती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। इस तरह तैयार है अम्बा पोहे यानी आम पापड़ी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।